हेलो एवरीवन, मैं हूँ असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप। वेलकम टू सीएपीए पाथफाइंडर्स। टुडे आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट अ वेरी 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 हैपनिंग समिट दैट वी हैव ऑर्गेनाइज ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है, ये समिट है। दिस समिट विल ट्रांसफॉर्म योर डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन एंड दिस विल समिट विल ट्रांसफॉर्म द वे यू लुक एट इंडियाज आर्म फोर्सेस। It is a very well organized event of 2 days. It is organized on 14th and 15th of August. 14 और 15 अगस्त को organize होने वाला ये summit है और ये power pack session वाला summit है। इसमें बहुत ही eminent लोग आने वाले हैं और इसको मैं भी attend कर रहा हूँ और इसमें मैं speaker भी हूँ। ये इसके बारे में मैं आपको information देना चाहता हूँ। ये 14th और 15th अगस्त को आने वाला summit है। इसमें जो इवेंट्स है इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको ये जो इसका जो लिंक है रजिस्ट्रेशन लिंक, ये जो यूट्यूब पे आप सेशन देख रहे हो, ये यूट्यूब के सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या फिर आप unacademy.com/event/command में जा सकते हो। कमांड ये इस इवेंट का नाम है। इसमें ये बहुत ही बड़ा इवेंट है, 2 दिन का है। इसमें 27 आइकॉनिक स्पीकर्स आने वाले हैं, 26 टॉक्स एंड पैनल होने वाले हैं, हैंड्स ऑन वर्कशॉप होने वाला है। इसमें आर्म फोर्सेस में लाइफ कैसे रहता है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या रहता है, जो आर्म फोर्सेस में ऑलरेडी जो बड़े बड़े लोग हैं और बाकी जगह से जहाँ से भी आर्म फोर्सेस में जो रिलेटेड लोग हैं उसके बारे में ये इवेंट है। इसमें जो इवेंट्स है, देर आर curated sessions and workshops to help you to navigate the complexity of the examination with ease, from the tips, tricks to preparation strategies and to the from the dignitaries and rankers which will be sharing their journeys with you. तो इसमें जो जो sessions है वो ऐसे organize है, why defense examination, the preparation journey where the toppers जो है उसके बारे में बात करेंगे, वाई डिफेंस एग्जामिनेशन या डिफेंस को करियर करके क्यों चूज करना है इसके बारे में जो ऑलरेडी डिफेंस सर्विसेज में है, सर्विंग है या रिटायर्ड है, वो लोग बात करेंगे। लिविंग द ड्रीम में जो डिफेंस में जो ऑलरेडी ये जो सपना रहता है बहुत सारे लोगों का करियर करने का, इसमें जो लोग कर रहे हैं वो लोग बात करेंगे। इसमें कुछ वर्कशॉप्स होने वाले हैं जो आपको एम्पावर करेंगे, आपको ये जर्नी में मदद करेंगे, एंड हाउ अनअकैडमी अ परफेक्ट स्टडी पार्टनर जो आपको ये जर्नी में कैसे मदद करेगा उसके बारे में भी सेशंस रहेंगे। इसमें जो स्पीकर्स है, दी स्पीकर्स आर फ्रॉम वेरी डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एंड दे आर वेरी वेरी एमिनेंट डिग्निटरीज। ये जो स्पीकर्स है जैसे कि श्री एम हमीद अंसारी जी, जो हमारे इंडिया के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे, वो भी इसमें ऑनलाइन लाइव सेशन लेने वाले हैं। जनरल वीपी मलिक, फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ये भी सेशन लेने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री, जो करंट कमांडेंट है एनडीए के नेशनल डिफेंस अकेडमी देहरादून के, वो भी इसमें हम लोग को गाइड करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग, जो रिटायर्ड डिफेंस एनालिस्ट है, वो भी करेंगे। गुल पनाग जो एक्ट्रेस है, कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी, हु इज अ कारगिल वॉर वेटरन एंड करंटली शी इज अ लीडरशिप ट्रेनर, वो भी ले रही है। एयर मार्शल रघुनाथ नंबियार सर, वो भी कर रहे हैं। मेजर डी पी सिंह, हु इज अ कारगिल वॉर वेटरन एंड इंडियाज ब्लेड रनर, कारगिल वॉर में इनके 2 पैर काटने पड़े, इसके बाद भी आज ये इंडिया के ब्लेड रनर नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद इन्होंने कैसे लाइफ के साथ कोप किया ये वो बताएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद वशिष्ठ, हु इज द फॉर्मर कमांडेंट ऑफ OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई के जो कमांडेंट थे, ये भी लेंगे। सोनू सूद जो एक्टर और ह्यूमैनिटेरियन है, ये भी हम इनका जो फोर्सेस के साथ एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। रणविजय सिंघा जो एक्टर है वो भी करेंगे। श्यामलाल वल्लभ जी, हु इज स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, कमोडर अनिल जयसिंह सर, मेजर नीति सी जे इंडियन आर्मी वेटरन, संजीव कृष्णन सूद सर, एस के सूद सर, हु इज द फॉर्मर ADG ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हु ज्वाइंड CAPF दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एट द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, जो UPSC से लिया जाता है, असिस्टेंट कमांडेंट से लेके उनका ADG तक जर्नी कैसे था और CAPF को क्यों ज्वाइन करना चाहिए उसके बारे में वो गाइड करेंगे। चिराग गार्ग, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2017 ऑल इंडिया रैंक 1,
और अक्षय पांगरेकर सीपीएफ असिस्टेंट कमांडर 2018 ऑल इंडिया रैंक 3। ये जो टॉपर्स है उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया वो भी आपको गाइड करेंगे। जनरल नरेंद्र सिंह पाल सिंह सर वो भी आपको गाइड करेंगे कि एसएसबी का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। कर्नल भूपेंद्र सिंह रिहाल जो खुद जीटीओ थे एसएसबी में वो भी आपको गाइड करेंगे। ग्रुप कैप्टन राजेश पांडे सर है जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे वो गाइड करेंगे। एयर कमांडर विकास परनायक सर है। मैं हूँ असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगता फॉर्मर सीआईएसएफ। असिस्टेंट कमांडर दिव्या गुप्ता मैम फॉर्मर सीआरपीएफ। संजय कुमार सर फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर। सूर्य प्रताप सिंह सर फॉर्मर एनडीए। अर्पित चौधरी सर और विशाल कुमार सर ये सभी लोग आपको कुछ लोग उनकी जर्नी बताएंगे, कुछ लोग टॉपर स्टॉक करेंगे और कुछ लोग आपको एग्जाम प्रिपरेशन में गाइड करेंगे। सो ये 2 दिन का बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये सेशन पक्का अटेंड कर लीजिएगा। इसका जो शेड्यूल है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 14th अगस्त और 15th अगस्त का ये हो रहा है हमारे इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे है उसको कंसिडर करके ये 14th और 15th को किया गया है। एनी वन हु इज कीन ऑन ज्वाइनिंग मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस यू माइट हैव जस्ट बिगन योर प्रिपरेशन और परहैप्स हैव मेड प्रोग्रेस इन इट। कुछ लोग इसमें आप ऐसा हो सकता है कि आप इंटरव्यू लेवल में हो, आप एसएसबी के लिए जा रहे हो, CAPF के इंटरव्यू के लिए हो या CAPF में जस्ट सिलेक्ट हुए हो, अभी यू आर वेटिंग फॉर योर ट्रेनिंग और CAPF में अभी अभी इंडक्ट हुए हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स में अभी अभी इंडक्ट हुए हो, आपका अभी करियर प्रोग्रेशन बाकी है। इस ये जो सेशंस है ये आपको एक पर्सपेक्टिव देंगे, एक इंसाइट दे देंगे कि आगे जाके करियर में आप क्या क्या बन सकते हो। 14th अगस्त से शुरू हो रहा है। ये जो टाइम टेबल है शेड्यूल है आप ये अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। सुबह 9 बजे से सेशन शुरू है। सो 14th को 9 और 10 बजे कोई सेशन नहीं है, 10:30 बजे से शुरू होता है। 15th को जो सेशन है 15th अगस्त को सुबह 9 बजे सेशन है अबाउट द ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी। 10 बजे सेशन है रोल ऑफ वीमेन इन आर्म फोर्सेस, मेजर नीति सीजे ये सेशन लेने वाली है। 14th को जो सेशन है वाई डिफेंस एग्जामिनेशन एंड द रोल ऑफ आर्म फोर्सेस इन नेशन बिल्डिंग, श्री हमीद अंसारी जी ये सेशन लेने वाले हैं। फिर 11 बजे वो ये सेशन हमारे समिट को स्टार्ट करेंगे। फिर 11 बजे जनरल वेद प्रकाश मलिक सर लीडिंग एट द फ्रंटियर्स के ऊपर सेशन लेने वाले हैं। फिर लेफ्टिनेंट जनरल असित मिश्री सर मार्च टुवर्ड्स एनडीए, ही वाज द कमांडेंट ऑफ द एनडीए, तो उसके बारे में लेंगे। कार्विंग द लीडर्स ऑफ द टुमारो अबाउट द लीडरशिप लेफ्टिनेंट जनरल विनोद वशिष्ठ सर लेंगे। फिर संजय कुमार सर लेंगे 15 o'clock मीन्स 3 बजे दोपहर के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी टू क्रैक CDS। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी टू क्रैक NDA आपका वो भी 3 बजे सेशन होगा। 4 बजे द वॉरियर विद इन कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी, उनका जो एक्सपीरियंस है आर्मी नेवी आर्मी के साथ वो शेयर करेंगी। फिर 5 बजे कॉम्बैटिंग लाइफ चैलेंजेस, मेजर DP सिंह उनका जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर 18 o'clock मीन्स शाम को 6 बजे बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यूरसेल्फ, श्यामलाल वल्लभ जी ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। और शाम को 7 बजे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी टू क्रैक FCAT, सूर्य प्रताप सिंह ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। और रात को 8 बजे और रात को 9 बजे SSB के 2 वर्कशॉप है, एक जनरल नरेंद्र पाल सिंह ले रहे हैं, दूसरा ग्रुप कैप्टन राजेश कुमार पांडे सर ले रहे हैं। और जो 15th ऑफ अगस्त के सेशंस है वो आपके सेशंस मॉर्निंग 9 o'clock से शुरू है। 9 o'clock को ज्वाइनिंग इंडियन नेवी के बारे में सेशन है। 10 बजे रोल ऑफ इंडियन वीमेन इन आर्म फोर्सेस। फिर 11 बजे द गिव द फाइट टू योर ड्रीम्स, एयर मार्शल रघुनाथ नंबियार सर ये सेशन ले रहे हैं। उसके बाद रोल ऑफ इंडियन नेवी इसके बारे में कमांडर अनिल जयसिंह सर सेशन ले रहे हैं। एंड पेइंग इट फॉरवर्ड सोनू सूद जो ह्यूमैनिटेरियन और एक्टर है वो लीडरशिप और मोटिवेशन के ऊपर सेशन ले रहे हैं। उसके बाद वाई जॉइन CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, संजीव कृष्ण सूद सर जो फॉर्मर ADG है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF जो हाईएस्ट पोस्ट है BSF का, उसमें से जो एक पोस्ट है वहां तक उनका असिस्टेंट कमांडेंट से जर्नी कैसे हुआ था और असिस्टेंट कमांडेंट और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस क्यों ज्वाइन करने चाहिए उसके बारे में सेशन लेंगे।
सिक्सटीन ओ क्लॉक मीन्स शाम को 4 बजे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन कैसे क्रैक करना चाहिए उसके बारे में मैं सेशन लूंगा। एट द सेम टाइम 16 o'clock को ही दिव्या गुप्ता मैम, असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए उसके बारे में सेशन लेंगी। फिर शाम को 5 बजे रणविजय सिंह सर सेशन लेंगे अबाउट द मेकिंग टफ चॉइसेस। उसके बाद लिविंग द मिलिट्री लाइफ, गुल पनाग जो मिलिट्री लाइफ जी चुकी है वो 6 o'clock को हमारा सेशन लेंगे। उसके बाद टॉपर्स टॉक में शाम को 7 बजे और 7:30 बजे चिराग गर्ग ऑल इंडिया रैंक 1 सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर 2017 और अक्षय पंगरेकर ऑल इंडिया रैंक 3 सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर 2018 एग्जामिनेशन, ये आपको ये जो टॉपर है उन्होंने वो टॉपर कैसे आए उसके बारे में वो बताएंगे। और रात को 8 बजे और 9 बजे एसएसबी के वर्कशॉप्स है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ जीटीओ। कर्नल भूपेंद्र सिंह रिहाल सर जो खुद जीटीओ थे वो उसके बारे में वर्कशॉप लेंगे और विकास परनाइक सर द साइकोलॉजी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट के बारे में ये सेशन लेंगे। सो दीज सेशंस आर वेरी वेरी पावर पैक सेशंस। मैं जानता हूँ आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम का, लेकिन जहाँ पे जाना चाहते हो वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत जानने के लिए मिलेगा। जिनको आप रोल मॉडल मानते हो वो रोल मॉडल से बात करने का, उनके साथ डिस्कशन करने का इससे अच्छा मौका कभी भी नहीं मिलेगा। सो ये 2 दिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पढ़ाई थोड़ा बाजू में छोड़ के इनको अटेंड पक्का कीजिएगा। बिकॉज दीज सेशंस विल नॉट टीच यू अबाउट योर एग्जामिनेशन बट दीज सेशंस विल ऑल्सो टीच यू अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर ड्रीम्स एंड हाउ टू अचीव देम। आपको पता चल जाएगा इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो ये सभी लोग आप ही की तरह कभी ना कभी तो प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके सपने पूरे करने की कोशिश कर रहे थे। सो उनका जो जर्नी है, हम लोग का जो जर्नी है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, वो आपकी जो जर्नी है कैंडिडेट और एस्पायरेंट से लेके ऑफिसर बनने तक, उसमें थोड़ा सा आसान कर देगा और सबसे इम्पोर्टेंटली आपको एनर्जी दे देगा। सो आप अपने दोस्तों को इस सेशंस के बारे में, समिट के बारे में बता सकते हो। ये सेशन कैसे होने वाले हैं ये भी बताता हूँ। ये सेशंस कहाँ पे होने वाले हैं, दिस इज कम्प्लीटली ऑनलाइन सेशंस, ये सभी के सेशन कम्प्लीट ऑनलाइन है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सेशन इज दैट समिट इज दैट देर इज अ जीरो ट्रैवल रिकॉर्ड। आपको कहीं पे भी नहीं जाना, आपको घर में बैठ के उसको देखना है। स्टे ट्यून फॉर मोर ऑन हाउ टू अटेंड ऑल दिस सेशंस ऑन द समिट। आपको सिर्फ सेशन अटेंड करना है, आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको ये सेशन का डायरेक्टली लाइव टेलीकास्ट होगा और आप अपने जो चाहते जिनका भी सेशन आप अटेंड करना चाहते हो उनके साथ कमेंट भी डिस्कशन भी कर सकते हो। विल आई बी अलाउड टू अटेंड ऑल द सेशंस, विल यू बी अलाउड टू अटेंड ऑल द सेशंस, यस यू कैन अटेंड एज मेनी सेशंस ऑफ द समिट एज यू वॉन्ट। देर माइट बी फ्यू सेशंस विच आर ओवरलैपिंग but you can at that time you can attend only one session but you can attend all sessions. Who can be participant in the summit, kon participate kar sakta hai, command summit is basically for the defense aspirants, this is open for all event but it is specifically curated to benefit defense aspirant. You can be at any stage of your preparation, you can be ki aap sirf sapna dekh rahe ho main kabhi NDA mein jaunga, aap ho sakte ho 8vi 9vi kaksha mein, या आप हो सकते हो एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उसके बाद ग्रेजुएशन कर रहे हो लेकिन आर्म फोर्सेस में करियर करने का आपका सपना हो सकता है, या फिर आपने ऑलरेडी एग्जाम दिया है आप रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग इंटरव्यू स्टेज तक चले गए हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग सिलेक्ट हो गए हो लेकिन अभी ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग नहीं आया। कोई भी स्टेज हो आपको इसमें से कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा मिलेगा। और इसमें से क्या होनेगा, कोई रजिस्ट्रेशन फीस है क्या, देर इज नो रजिस्ट्रेशन फी, दिस इज अ फ्री टू अटेंड इवेंट, आपको कोई भी फीस पे नहीं करना। आपको जो भी चीज, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू रजिस्टर इन एडवांस एंड अटेंड ऑल द सेशन। आपको सिर्फ ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा या फिर unacademy.com/event/command इसके ऊपर जाके आप इसमें जाके डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो। ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री है।
विल द सेशंस बी अवेलेबल टू वॉच ऑन अ लेटर डेट? यस, अगर आपके पास ये सेशन का लिंक है और आप ढूंढते हो, ऑल द सेशंस विल बी अवेलेबल फॉर यू टू वॉच लेटर एज वेल. हाउएवर, लेकिन टू मेक द मोस्ट ऑफ द सेशंस वी एनकरेज यू टू वॉच देम लाइव, क्योंकि लाइव जो वो लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, इतने बड़े लेवल के लोग आपसे लाइव बात कर रहे हैं, एंड दे विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन लाइव. आप उनको क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप वो लाइव रहेंगे. आर द देयर स्पेशल सेशंस फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट? यस, मोस्ट ऑफ द सेशंस विल प्रोवाइड यू विद द ऑप्शन ऑफ आस्किंग योर क्वेश्चंस टू द स्पीकर एट द एंड ऑफ द सेशन. इनफैक्ट देयर आर डेडिकेटेड सेशंस ऑन द प्रिपरेशन टू हेल्प यू टू क्लैरिफाई योर डाउट्स. जैसे कि मैं जो सेशन ले रहा हूँ, आई विल बी देयर जो 15 अगस्त को शाम को 4 बजे है, ये सेशन में मैं आपके पूरे के पूरे सभी के सभी डाउट्स भी आंसर करूंगा सीपीएफ असिस्टेंट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में. सो अगर आपको ये समिट ज्वाइन करना है, आपको 14th और 15th को ये समिट है, आप ये समिट ज्वाइन कर लीजिएगा. आपको क्या करना है, unacademy.com/event/command के ऊपर जाके आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है. बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटीज ये समिट में आपके साथ बात करने वाले हैं, इंटरेक्शन करने का. इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा. थैंक यू वेरी मच गाइस. जय हिंद. प्लीज़ 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 अटेंड द सेशंस. मैं भी अटेंड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी ये बड़े लोगों से बातें सुनना चाहता हूँ. इवन आई एम अ स्टूडेंट, मैं भी कभी प्रिपरेशन करता था ऐसे ही बड़े लोगों के. मैं बहुत घूमता था कि कोई ना कोई तो मुझे गाइड करने के लिए मिल जाए. एट दैट टाइम नोबडी वाज अवेलेबल. आई वाज जस्ट अ फार्मर सन, गांव से आया हुआ था. मुझे याद है कि जब मैं एनडीए दे रहा था, तो सिर्फ एक सेशन अटेंड करने के लिए मैं मेरे गांव से पूना आया हुआ था. सिर्फ आधा घंटा उनसे बात करने के लिए हम लोग ने पूरा एक दिन ट्रैवल किया, सब कुछ कर लिया. और सब कुछ करने के बाद वहाँ पे भी मुझे मिसगाइड ही किया गया. तो ये ऐसी चीज़ें होती है जब आपको करेक्ट गाइडेंस अवेलेबल नहीं रहता. आर्म फोर्सेस का क्या है, उनके टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स बहुत सारे रहते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है. ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए. ये चीज़ें आपको सामने देखने के लिए मिलेगा. और जो लोगों को आप आइडल मानते हो, वो लोग आपके सामने डायरेक्टली, आप उनको क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके डाउट क्लियर करने के लिए मिलेंगे. ये जो करियर अपॉर्चुनिटीज है, अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज है. सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये सेशन पक्का अटेंड कर लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.